मॉर्निंग चिल्ड्रेन, मैं संजय सर आज क्लास टू में एसएसटी पढ़ाने जा रहा हूँ। एसएसटी में चैप्टर वन हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर वन में मैं एंड माय फैमिली, यानी मैं और मेरा परिवार कैसा है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले है गुड मॉर्निंग, आई एम राम, यानी गुड मॉर्निंग सबसे पहले क्या कहेंगे, सुप्रभात। आई एम राम यानी मैं राम हूँ। आई एम ए बॉय और गर्ल होगी तो गर्ल लिखेंगे, ठीक है। मैं एक लड़का हूँ या लड़की हूँ। आई लिव विथ माई फैमिली, ए फैमिली इज ए ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन। ए फैमिली कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज, कहने का मतलब ये है कि मैं परिवार के साथ रहता हूँ और एक परिवार जो है माता पिता और बच्चों से बनता है, और एक परिवार जो है वह विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जैसे कि यहाँ बताया गया है टाइप्स ऑफ फैमिली यानी परिवार के प्रकार। परिवार के प्रकार में परिवार दो प्रकार के होते हैं। पहला है ज्वाइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार, और दूसरा है न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार। इन ए ज्वाइंट फैमिलीज ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंट्स, अंकल्स एंड कजन्स लिव टुगेदर, यानी संयुक्त परिवार में जो है दादा दादी, माता पिता, चाची चाचा और चचेरे भाई बहन रहते हैं। जबकि ए न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन, जबकि एक एकल परिवार में माता पिता और एक या दो बच्चे रहते हैं। आई डू ए लॉट ऑफ फन विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ खूब मस्ती करता हूँ। वी ऑल शेयर द वर्क एट होम, हम सभी जो है घर के काम में साझा करते हैं यानी हाथ बटाते हैं। तो ये काम कहाँ होता है, ये काम संयुक्त परिवार में ही होता है, एकल परिवार में प्रायः यह देखने को नहीं मिलता है। माय फादर वर्क्स इन एन ऑफिस एंड अर्न्स मनी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स, मेरे पिताजी जो है एक कार्यालय में काम करते हैं और कार्यालय में काम करने के बाद जो उनको रुपया मिलता है, पैसे अर्न करते हैं, उससे परिवार के सभी सदस्यों की जो आधारभूत या मूलभूत सुविधा की जरूरत होती है उसको वह पूरा करते हैं। माय मदर कुक्स मील फॉर द फैमिली, मेरी माँ जो है पूरे परिवार के लिए भोजन बनाती है। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और दूसरे दिन इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।